अगला सवाल आता है, छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका कारण और निवारण क्या है? देखिए, जब बचपन में जो छोटे बच्चे हैं या जब हम पैदा होते हैं तो बॉडी हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे आप स्किन लीजिए, इसको आप ऐसे पिंच करते हैं फिर छोड़ते हैं, दोबारा से ये उसी शेप में एक एक मोमेंट में आ जाता है। लेकिन कोई बहुत बूढ़े इंसान को आप ऐसे पिंच करेंगे और छोड़ेंगे तो एक निशान दिखेगा, जिस निशान के जाने में लगभग 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे लगेगा। हाँ, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी इलास्टिक से प्लास्टिक में आती है तो हमारे पूरे बॉडी में प्लास्टिसिटी छा जाती है। प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिक मतलब वापस उसी शेप में आ जाना, प्लास्टिक मतलब उस शेप में नहीं आना, राइट? ये इलास्टिक, तो भगवान ने हमें इलास्टिक बनाया है। लेकिन जैसे से हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हम प्लास्टिक बन जाते हैं, चाहे वो स्किन की बात करें चाहे हेयर की बात करें। स्किन में जो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी है उससे आपके प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी की जाँच कर सकते हैं, और बालों में बालों के कलर से कि अगर वो सफ़ेद हो गए ग्रे हो गए तो मतलब वो अब इलास्टिक नहीं रहा, अब प्लास्टिक के रेंज में आ गया, वो बूढ़ा हो गया है। लेकिन आजकल ये डिपेंड सिर्फ आपकी उम्र पे नहीं करता है, आप किस तरह के न्यूट्रिशन लेते हैं उस पे भी करता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है और प्लस आपकी जेनेटिक इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ग्रे होने का है तो छोटे बच्चों में भी ग्रे बाल आ जाएंगे। तो अब इसका निवारण क्या है, निवारण क्या है उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है वीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे का जूस। आप गेहूं के ज्वारे उगाइए अपने घर के बाहर 8-10 क्यारियों में, और उसको उसमें से करीब 20-30 ग्राम ज्वारे लीजिए, उसको कूट के उसका 2-3 चम्मच जूस निकालिए और उससे मालिश कीजिए बालों का, आधा 1 घंटे रख के 1 घंटा मान लीजिए, वैसे छोड़ दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। इस तरह से आप लगातार 3 महीने करेंगे तो जो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और जो ग्रे होने की प्रवृत्ति है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तब भी होगा लेकिन कम हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन बैलेंस कैसे करना है, फिर वही बात, आप DIP डाइट में आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, फास्ट फूड वगैरह छोड़ देंगे और सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो ये है इस सवाल का जवाब।